हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूँ अरुणा। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ व्हीट फ्लावर बनाना ब्रेड की रेसिपी, जो कि बड़ी ही सिंपल है और एगलेस है। तो यहाँ पर मैंने 3 केले लिए हैं। आप देख रहे हैं केले के ऊपर किस तरह का कलर आ गया है। केले अगर ऐसे हो जाते हैं तो उन्हें कभी मत फेंकिए, ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो 3 केले लिए हैं मैंने, जो कि काफ़ी स्वीट भी हैं। तो एक मिक्सर जार ले लेंगे हम, जिसके अंदर हम ये केले डालेंगे और अपनी बाकी सारी सामान भी डालेंगे। तो यहाँ पर 3 केले लिए हैं मैंने। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप से थोड़ा सा कम चीनी, क्योंकि केले अपने आप में ही बहुत स्वीट हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, तो 1/2 कप दूध मैंने इसमें डाल दिया है। और 1/4 कप ऑयल लिया है मैंने, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं या बटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 बूंदे वनीला एसेंस की। काफ़ी अच्छा खुशबू आती है वनीला एसेंस से। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून और 1/2 छोटी चम्मच सिनेमन पाउडर। तो इन सबको हमें ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ब्लेंड हो गया है हमारा सारा सामान और इसको मैंने एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है। तो ये केक मैं एगलेस बना रही हूँ, ये जो ब्रेड है। और अब मैं इसमें डालूंगी आटा। तो 1.5 कप यहाँ पर मैंने व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा लिया है। आप इसकी जगह पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो अच्छे से इन सबको छान लेंगे हम और मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से स्पैचुला की हेल्प से। और इसके अंदर आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट या चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और थोड़े से मैंने वॉलनट यानी अखरोट को भी चॉप किया है बारीक बारीक, तो वो भी मैं इसमें डालूंगी। आप इसमें काजू बादाम का पाउडर या उनको अच्छे से छोटा छोटा चॉप करके भी डाल सकते हैं। बनने के बाद बहुत ही नटी और क्रंची मुँह में लगता है, तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आज ये केक जो है वो मैं अवन में नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट गैस पे बनाऊंगी, और वो भी कढ़ाई या पैन कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉस पैन में बना रही हूँ ये केक। तो सॉस पैन को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ और इसके अंदर मैं पार्चमेंट पेपर लगा दूँगी यानी बेकिंग पेपर, और जो हमारा सारा बैटर है वो इसके ऊपर लगा दूँगी। और गैस के ऊपर बिल्कुल सिम गैस पर 25 से 30 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे। बीच बीच में आप देखते रहिए इसे, और ये बिल्कुल क्लीन निकल आया है। और यहाँ पर हमारा केक बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और मॉइस्ट केक बना है। ज़रूर बना के ट्राई कीजिए आप ये केक। और मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।